हमारे बीच एक बच्चा है, उसका नाम है सिमर कनौजी, चौरसिया, सिमर चौरसिया। उसने हमसे कहा है कि मुझे कंप्यूटर के प्रकार बताए, तो हो सकता है कंप्यूटर तो जानते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन जो आप लोगों को प्राप्त होती है आपके निर्देशों के अनुसार, जो आप निर्देश देते हैं उनके अनुसार वो अपना परिणाम देता है। हम लोग शुरू कर सकते हैं कि जो आप चाहते हैं वो आपने आदेश दिया तो आपको उसका परिणाम दिखा। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के, तो जैसे कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं ठीक है ना, लेकिन हमें बोलना है तीन तरह के कंप्यूटर, उनका नाम डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन तरह का कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास रखा हुआ है, जहाँ आप जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर्स के रूप में इसको यूज कर रहे हैं ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स आते हैं, संगीत या गेम्स, जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, नाम रख पाएंगे, हम लोग सारे खेल खेलते हैं, फोटोशॉप खेलते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर पे काम करते हैं। एक कंप्यूटर और होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर्स ये चिकित्सा डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। इसमें चिकित्सा कैसे, जैसे आपने फिल्म देखी होती है, फिल्म देखते हैं तो उस तरह हीरो मरने वाला होता है तो लकीरें भी चलती है, और जब हीरो मर जाता है लकीर सीधी हो जाती है। तो जो ये कंप्यूटर होता है इसे एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कि इस कंप्यूटर में गाने सुन नहीं पाए, जब हीरो मरने वाला होता है ठीक है, उस पर ना उस पर कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर पाएंगे एनालॉग कंप्यूटर होता है, ना उस पर कोई गेम्स खेल पाएंगे रिलेटेड बात लेटेड गेम खेल सकता है, तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये बात हो गई, पता है हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, ये था एनालॉग, ये था हाइब्रिड कंप्यूटर जिसके चिकित्सा भी होता है, और एनालॉग कंप्यूटर होता है इसका इस्तेमाल जो होता है वो भूवैज्ञानिक मौसम विभाग इसमें किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर इसका इस्तेमाल से मान लिया आज गर्मी कितनी पड़ रही है, सर्दी कितनी पड़ रही है, या बारिश कब होगी कब नहीं होगी, इसको जो आता रहता है वो एनालॉग कंप्यूटर आता है। तो ध्यान रखना हम लोग को ये है कि तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का इस्तेमाल बोल चुके हैं, और हाइब्रिड का इस्तेमाल चिकित्सा में, एनालॉग का इस्तेमाल मौसम विभाग में या जो वैज्ञानिक और काम है उसका इस्तेमाल करते हैं। तीन टाइप के कंप्यूटर क्लियर होता है। और आगे पढ़ाते हैं इस पर लिखा हुआ था, मुझे लिख रहे हैं कि डाटा माने आंकड़े, हम लोग को डाटा के बारे में जानना चाहिए। डाटा क्या होता है, आया ध्यान दे तो आप पूछे डाटा देखा जाए, जो कुछ भी हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं, जैसे हमने कोई लकी की चीज के अंदर या ASDF टाइप किया या कोई वॉलपेपर इस पर ले गए, अपना फोटो को ले गए, तो जो कुछ भी इस पर हम लोग वर्क करते हैं और सेव करते हैं वो सब डेटा कहलाता है। डेटा कुछ होते हैं और डाटा धीरे धीरे कहते हैं, यानी कोई भी आंकड़े और आंकड़े किसी भी रूप में हो, जो एमपी3 गाना है, एक लकीर भी है, बिंदी भी है, वो भी डाटा, डाटा में बिंदी तक नहीं आता, डाटा वो काट दिया मुझे नहीं होगा ठीक है। तो डाटा हम पूछेंगे कि काम करने के अनुसार कितने तरह के, तो आपको बोलना है डाटा तीन तरह के, कंप्यूटर तीन बोला और डाटा भी तीन तरह के। एक होता है डाटा अल्फाबेटिक डाटा, इसके ना छोटा बड़ा आता है, यानी डॉक्यूमेंट टाइप करता है, ABCD आता है, अनेक प्रदेश से आता है, डाटा इस तरह जो लिखा पढ़ी रहेगा उससे कहेगा एल्फाबेटिक डाटा होता है। एक न्यूमेरिक डाटा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, ये सब न्यूमेरिक डाटा होता है। एक होता है चिन्हात्मक डाटा, चिन्हात्मक में जितने भी प्लस का गुणा का ये डेटा आएगा, ये चिन्हात्मक आएगा। अब इन्हीं जो है डेटे के अंदर अगर चाहे तो हम और बहाने को तो बहा सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया डाटा, मल्टीमीडिया इसके अंदर गाने फिल्म वॉल्यूमर से बात करेगा, या इसके अलावा अगर हम मल्टीमीडिया को डिफाइन करें तोड़े मल्टीमीडिया के अंदर, मान लिया वॉलपेपर के रूप में, वीडियो सॉन्ग के रूप में, MP3 के रूप में, इसके फिर वो और आगे बढ़ता जाएगा। तीन तरह काफी है, और अगर चौथा लाते हैं इन तरह से तो मल्टीमीडिया डाटा को फिर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो। तीसरा एक क्वेश्चन था इसके अंदर, इसको भी देखा था इसके अंदर कि इकाइयां मापन, इससे पहले क्या हम आ चुके हैं इकाइयां मापन,
मापन की इकाइयों इकाइयों के छोटी जो इकाइयां होती है बस मापन को समझ लें। मापन का मतलब नापना, मेजरमेंट इंग्लिश बोलते हैं, मेजरमेंट करना, नापना, मापन हिंदी का लफ्ज़ है। कंप्यूटर में कौन कौन चीज़ या कौन सी इकाई से नापते हैं, जैसा को मालूम चाहिए कि लिक्विड चीज़ की पानी रखा हुआ है तो लिक्विड चीज़ को लीटर्स में नापते हैं, उसमें तेल आएगा, पेट्रोल आएगा, डीजल और जो दूध वगैरह आएगा, ये सब लिक्विड में चीज़ों को हमने लीटर्स में नापते हैं। हम लोग जो है जो अनाज वगैरह है इसे केजी में नापते हैं, केजी किलोग्राम्स वगैरह। हम लोग जो ये जमीन वगैरह होती है इसे स्क्वायर फीट में भी नापते हैं। उसके बाद टन में नापते हैं, क्वार्टर में नापते हैं, दर्जन में नापते हैं, ऐसे बहुत ही नापने की तरह। जैसे लाइट जो आती है, लाइट हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर आप तो सुन चुके हैं मेरी बात को, प्रशांत तुम भी नहीं बोलोगे, उम्मीद है तुम बोल सकते हो, तो रोक लेंगे। लाइट जो हम लोग के यहाँ आ रही है इसकी मापन की इकाइयां क्या है? लाइट को किस में नापते हैं? किलो में नापेंगे नहीं, तराजू से लीटर्स में नापेंगे नहीं, दर्जन लाइट को नहीं नापेंगे, इसे नापने की इकाई क्या? किलोमीटर्स में नापेंगे नहीं, ये तो फिर रफ्तार को नापने की बात है। गाड़ी को कितना एवरेज दे रही किलोमीटर से वहां फिर आता है, जूल में नहीं, वोल्ट में नापे। अब जवाब वोल्ट में नापे, कितने वोल्ट का ये मतलब आप प्रेशर ले रहे हैं, कितने एम्पियर ले रहे हैं, तो वोल्ट में नापे। ऐसे कंप्यूटर की जो नापने की इकाई है वो होती है छोटी इकाई बिट होती है, फिर आती है निबल, फिर बाइट, फिर कलेक्टर, ये नाम से बोल रहे हैं, जैसे ग्राम्स, मिली ग्राम्स, किलोग्राम्स, ठीक है ना, ऐसे बढ़ते क्रम में होते हैं। अगर आप लोगों से ना पूछे इस समय पूछे अली सर, पूछा जो है तैयार होकर बैठे अली सर, पाव भर में कितने ग्राम्स होते हैं? बैठो मैं सुन लेंगे, बैठो कितने ग्राम होते हैं, कस के बोलना, 250 ग्राम होते हैं, सही है, यानी 250 ग्राम पावर में होते हैं। आधा किलो में 500 ग्राम, एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे उसमें जो इकाइयां होती हैं जैसे ब्रिक, निबल, बाइट, स्क्वायर, फिर आया के बी, एम बी, जी बी टी, ये इसका जो है हिसाब किताब नापने की इकाई है। 1024 एम बी बराबर 1 GB, 1024 टीबी बराबर 1 TB, 1024 जी बराबर 1 TB, और 1 TB को और जोड़ देंगे तो पीबी, सब YBZ की सब दे रखा हुआ है। आप किताब पढ़ेंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते क्रम में माता की सारी किताबें शो करते हैं। अब हम 3 क्वेश्चन समाप्त करते हैं। चौथा क्वेश्चन इसके अंदर आता है, एक और हम शो कर रहे हैं इसके अंदर है कि कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, तो कीबोर्ड 4 तरह के होते हैं। पहला है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड जो हम लोग ये मोबाइल फोन में यूज करते हैं कि जब व्हाट्सएप पे लिखते हैं, ये हमने अपना मोबाइल फोन खोला, हमने व्हाट्सएप खोला, जैसे व्हाट्सएप, तो जो कीबोर्ड हमारा बन के आता है सामने, ये जो कीबोर्ड बन के आया ये वाला, ये एक वर्चुअल कीबोर्ड है, इसको छू नहीं पाते। वर्चुअल कीबोर्ड ये प्रोग्राम होता है, वर्चुअल कीबोर्ड हो गया। एक होता है क्वालिटी कीबोर्ड, हम लोग सामने रखा हुआ है QWERTY, जैसे क्वालिटी कीबोर्ड, 2 कीबोर्ड हो गए। इसके बाद में डिस्क्राइबिव समझाते हैं, लेकिन हम सदर करेंगे किताब खुद पढ़ती है। अब रोज हम तैयार होकर बैठते हैं हम लोग मेरे सामने, सर आप कुछ सिखा दीजिए, ठीक है आप सिखा चाहते हैं इसलिए बने, ठीक है मुझे बोलना भी अच्छा नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सिखा दूं, आप लोग कुछ पढ़ना भी चाहते हैं भाई, आप लोग क्या पढ़ती आए क्वेश्चन, क्या आप उसमें से करना चाहते हैं, ये सब मेरे में पढ़ाए तो सर आप ही पढ़ाते जाओ, ये मत पढ़ा। हम कल से जो है पूछेंगे क्या पढ़ना चाहते हैं आप, उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, तो जब ऐसे कहेंगे तो पहले 2 लफ्ज आपसे भी सुन लेंगे,
इससे इंटरेस्ट नहीं रहेगा। देखिए अभी अब लाइट जाती है तो हमने उसे आपसे कहा कि दो लफ्ज बोलिए, तो आपने कहा मैं खड़ी हो जाऊंगी और मैं सुनाऊंगी कंप्यूटर कैसे या तो जो मनुष्य मस्तिष्क है मैंने अकेला बोल नहीं था कि तो उन्होंने किताब अपने आप पढ़ लेते कोई नए तरीके से। अब मैं कीबोर्ड पूरे करने पहले वर्चुअल कीबोर्ड क्वालिटी कीबोर्ड अर्गोनॉमिक कीबोर्ड इसमें वॉवेल्स पहले बने होते वॉवेल्स पढ़ते ना जिन शब्दों का इस्तेमाल हर शब्द के अंदर आता है जिन टाइटल का इस्तेमाल ठीक है वॉवेल्स एंड अर्गोनॉमिक हो गया वर्चुअल हो गया और वर्क कीबोर्ड ये डी के आकार का बना हुआ होता है ये दो हिस्सों में होता है जिसका एक हाथ नहीं है ये आरामदायक कीबोर्ड का एक हाथ अलग रखा एक हाथ अलग रखा जैसे चलो वैसे घुमा दिया आधा अलग जब ले गए आधा आपके जब रख मतलब दो हिस्से में इसे टाइप कर सकते चलो कीबोर्ड में क्यों ना थोड़ा एक्सपेंड होता है। तो जब बारिश के दिन चेंज कर रहे हैं जब बारिश के दिन का हम आप लोगों से पूछे तो ऐसे बच्चे खड़े पीछे हाथ किया सर क्या बोले करीब अफमाए कर मैं बताऊं क्या बोलें। मेरे पास एक बच्ची है ओल्ड बच्ची है उसका नाम लाइमा अगर मेरी ये वीडियो देखी हो तो सुन रही है तो लाइमा लाइमा रियाज स्कूल नेम उसका तो उसने मुझसे कहा था सर मैं बोलूं आप सब कुछ ना बताइए उसने इतना बढ़िया तरीके से बात करी उसने मैं सबको देखा था उसका क्योंकि आपको तो इतना मैंने सिखा दिया रोज पढ़ाते पढ़े कुछ रिकॉर्डिंग है कुछ नहीं रिकॉर्डिंग है बस में उसके बाद भी सब क्या बोले हम सब पर अगर जरा से हम अगर भी वीडियो बंद करें और आप लोगों से सुनना चाहें तो पीछे हट जाते ठीक है ना। तो क्या सिर्फ एंजॉय के लिए हम लोग यहाँ 5 बजे 6 मिनट हो रहा है एंजॉय के लिए या पढ़ाई खत्म हो जाएगी सीख लेंगे हम तो आप लोग को ऐसे कर रहे हैं कल इंटरव्यूज हम लोग का हो हम लोग करिए आपका जब इंटरव्यूज हम लोग का हो तो हम लोग उसको अपनी जबान से बीट कर लें ये कर रहे हैं यानी कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने का मौका दे रहे हैं अपने पास में और तब भी नहीं बोल रहे मेरी ही सुन रहे तो क्या बोल पाएंगे आप तो बोल लेंगे ठीक है ना। लेकिन हाँ हमारे आपको कुछ छाप रहे हैं आपको मेरी बातें सुनने बड़ा मजा आता लेकिन हमको आप मजा ना लें क्योंकि बहुत मजा आ रहा है आप लोग की बात कुछ हमें तो मजा लेते हैं करते हैं आप मेरी मजा की बड़ी आने वाली है तो आया इसको पास करें तो बहुत थैंक यू देखा आपने।